एक वड्डी ब्रेकिंग सामने आ रही है। दसा जा रहा है कि साबका डीजीपी सुमेद सैनी नूं समन जारी किए गए ने। एसआईटी दे वल्लों मिली जानकारी दे मुताबिक कोटकपुरा गोली कांड दे विच पूछताछ होवेगी सुमेद सैनी दे कोलों। दसा जा रहा है कि 7 साल पहला जदों बैबल कलां गोली कांड होया सी उस वेले दे डीजीपी सन सुमेद सैनी अते इसे मामले दे संबंधी हुण उन्हां दे कोलों पूछताछ करन वास्ते उन्हां नूं समन जारी किए गए ने। सूचना मुताबिक 29 नवंबर नूं दुपहर 2 बजे चंडीगढ़ दे स्थित सैक्टर 32 विखे उन्हां दे कोलों पूछ ताश होवेगी। सैक्टर 32 विखे उन्होंने बुलाया गया है 29 नवंबर नूं। एक बार फिर गल सामने आई है कि सुमेद सैनी दीआं मुश्किलां खत्म होने का नाम ही नहीं लै रही। एक तो बाद एक मामलों के उन्होंने समन जारी किए जा रहे हैं। दसा जा रहा है कि बैबल कलां गोली कांड के मामले की जांच पड़ताल के लिए हुण एसआईटी का गठन किया गया सी। एसआईटी के वलों हुण साबका डीजीपी सुमेद सैनी समन जारी किए गए हैं। हुण वेखना यह होगा कि 29 नवंबर न एसआईटी के वलों की पूछताछ की जाती है साबका डीजीपी सुमेद सैनी के कोल। फिलहाल की मिली जानकारी के मुताबिक यह सामने आया है कि डीजीपी के कोलों इस मामले संबंधी पूछताछ की जानी है कि उस समय गोली कांड के ऑर्डर किस वलों दिए गए सन और गोली चलाने का कारण की सी। दसा जा रहा है कि इस तो पहला भी सुमेद सैनी नू इस मामले दे विच पूछताछ की जा चुकी है पर उसका निचोड़ कुछ भी नहीं निकलिया सी। ब्यूरो रिपोर्ट चढ़दी कला टाइम टीवी।